Praise the Lord. Praise the Lord. मैं पिछले दिनों में किसी जगह पर गया और किसी ने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं। मैंने उनसे बोला इसको छोड़कर कुछ और पूछिए, ये मैटर मैं तब छेड़ता हूं जब मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जब मुझे परमेश्वर कहता है बता तो मैं बताता हूं, इसको छोड़ दीजिए कुछ और पूछिए। ओके, अच्छा ये बताइए आप स्मार्ट होने के लिए अपने फेस पर क्या लगाते हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप बाइबल पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूं। मूसा जी स्मार्ट होने के लिए अपने फेस पर क्या लगाते थे? उन्होंने बोला ये सर वो प्रार्थना बहुत करते थे, बस वही मैं करता हूं। आमेन, आमेन। बाइबल पढ़ने वाले को बाइबल से जवाब मिलना चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा आप अपनी फिटनेस कैसे रखते हैं? मैंने उनसे सवाल पूछा मेरे यीशु अपनी फिटनेस कैसे रखते थे? उन्होंने बोला वो सुबह जल्दी उठ जाते थे भोर के वक्त में, और उन्होंने कहा वो पहाड़ी चढ़ना, बाइबल को पढ़िए कभी भी यीशु मसीह भोर के समय में नीचे की ओर नहीं गए, ऊपर की ओर गए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नीचे की ओर तो दौड़ते हुए जल्दी उतर जाएगा आदमी, लेकिन ऊपर की ओर जब चढ़ेगा तो पसीने आएंगे। तो यीशु मसीह भोर के वक्त में जब उठते थे तुरंत वो ऊपर की ओर जाते थे, पहाड़ी की ओर जाते थे, जंगल की ओर जाते थे, चेले उन्हें ढूंढते आते थे और चेले कहते थे प्रभु प्रभु नीचे भीड़ आप ढूंढ रही है, कहां नीचे भीड़ आपको ढूंढ रही है और आप यहां हैं। और उन्होंने कहा मैं अपने पिता से मिलने के लिए आया हूं। आप पिता से कहां मिलते हैं? दिसंबर की ठंड में रजाई के अंदर आप पिता से कहां मिलते हैं? प्रभु हालेलुया हालेलुया। आप पिता से कहां मिलते हैं? नींद में, सुस्ती में, रिजाई में। हां जी, आप पिता से कहां मिलते हैं? ऊंचाई में या निचाई में? आपको पिता से बिस्तर छोड़कर मिलना होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परिवार जब भी पिता से मिलने जाता है तुरंत एसी बंद कर देता है। मेरा परिवार जैसे ही पिता से मिलता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है तुरंत सुस्ती फैलाने वाली हर उस मशीन को बंद कर देता है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ऐसा करते हैं? इवन के कूलर चल रहा हो मेरे परिवार का सदस्य सबसे पहले उठते ही कूलर बंद करता है। आमेन, आमेन। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है पत्रस अनुग्रह के निकट गया दोपहर के वक्त में छत पर चला गया। कौन से वक्त में? दोपहर के वक्त। दोपहर के वक्त में छत पर चला गया। दोपहर के वक्त में आप छत से नीचे प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? सुस्ती आएगी। लेकिन पत्रस जी छत पर चले गए दोपहर के वक्त में, क्यों? क्योंकि धूप सोने नहीं देगी, क्योंकि धूप सेक लगेगा, पसीना आएगा, बार बार पसीना आएगा और आप कहेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, राबा शिखाला बुरा राबा खन्ना बुरा बतनरे बेखाना शिखाना बुरा, ओ प्रभु गर्मी बहुत है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ राबा शिखाला बुरा लखतला बुला नमा खोता नमोनी शिखाता नमोनी, ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके नाम की महिमा। क्या पसीना आपको सोने देगा? बहुत से लोग जैसे प्रार्थना शुरू करते हैं दो दो एसी ऑन कर देते हैं, हालेलुया 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 प्रभु तेरे नाम की महिमा, और तुरंत थोड़ी देर के बाद एसी अपनी दया दिखाना शुरू कर देता है।
कुछ समझ पा रहे हैं? आज आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर आपको कह रहे हैं, हियाव बांधो, अनुग्रह के पास आओ और अनुग्रह तुम्हें दया दिखाएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, तुम अनुग्रह के पास आओगे तो सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें मिलेगा। आमेन। आगे पढ़ो। जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो और तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमेन। आमेन। अनुग्रह आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा, अनुग्रह आपके आनंद को बढ़ाएगा, अनुग्रह आपकी आंखों में खुशी को लेकर आएगा, अनुग्रह आपके मुंह से आशीर्वाद को निकालेगा। आमेन। 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 हालेलुया, हालेलुया। भले कोई आपकी निंदा कर रहा हो, भले ही आपके बारे में कोई झूठी बातें बोल रहा हो, भले ही आपके बारे में कोई अपशब्द बोल रहा हो, भले ही आपको कोई चुभ में शब्द बोल रहा हो, भले कोई थोड़े सुइयां चुभाए हुए, भावे कोई थोड़े पत्थर मारे, भावे कोई थोनू गंदा बोले, और कभी मत, तू तो चंद दिन का मेहमान है, बस हूं जान वाला है, तू नहीं बचने वाला, तेरा परिवार मर जाए, ये मर जाए, लोग आपको हो सकता है श्राप दे रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह अनुग्रह आपको ऐसा बना देगा। आमेन। आमेन। आप कहेंगे अच्छा उसने ऐसा कहा, अच्छा मैंने नहीं सुना। आप अनुग्रह में ऐसी बातों के लिए बहरे हो जाएंगे, आप अनुग्रह में ऐसी बातों को सुनना बंद कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप कहेंगे ऐसी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी की बात ना चुभे, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी बात बुरी ना लगे, तो आप फट से हियाव बांधिए और अनुग्रह के पास आ जाइए। आमेन। आमेन। एक व्यक्ति लगातार कहता था, मेरा यीशु अनुग्रहकारी है, मेरा यीशु दयावान है, मेरा यीशु अद्भुत काम करता है। किसी व्यक्ति ने आकर कहा, चलो देखते तेरा यीशु क्या करता है, इधर आ जा। उसकी गर्दन को पकड़ा, बंदूक निकाली, उसकी गर्दन पर रख दी और गर्दन पर रखकर बोला, आज देखता हूं तेरे यीशु के अनुग्रह में कितनी पावर और मेरी बंदूक में कितनी पावर। और उसने पूरे जोर से उसके उसको उसको कुछ कहे बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, एक दो तीन चार मारी, इसके चार गोलियां मारी और चारों गोलियां जैसे उस आदमी के लगी और वो गिर गया और खड़ा होकर बोलने लगा, हंसने लगा और कहता देखा, कहता मेरे यीशु में इतना अनुग्रह है, मेरे यीशु में ये, मेरे यीशु में ये, क्या है इसके यीशु में। और उसके ब्लड से आवाज आ रही थी, मैं जिंदा हूं। तुरंत उसने बोला, कोई आवाज आई है? हाँ यार, मुझे भी लगा आवाज आई है। और वो व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया और उठकर बोलता है, मेरा अनुग्रह यीशु का अनुग्रह है। आमेन। वो मरा नहीं, आज भी जीवित है। आमेन। और गोलियां जो लगी थी नीचे गिरी हुई दिखाई दी। कुछ समझ पा रहे? ब्लड भी आया, सब कुछ आया, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा है। अनुग्रह आपको जीवित रख सकता है। आमेन। क्योंकि अनुग्रह मरकर जीवित हुआ है। अनुग्रह कब्र में गया था लेकिन कब्र को फाड़ कर बाहर आया। अनुग्रह को बहुत से लोगों ने बांधने की कोशिश की, अनुग्रह को बहुत से लोगों ने कीले मारने की कोशिश की, अनुग्रह को बहुत से लोगों ने कीलों में गाड़ देने की कोशिश की, अनुग्रह को बहुत से लोगों ने कब्र में दफनाने की कोशिश की, अनुग्रह को शैतान ने सोचा अब ये नरक में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अनुग्रह आज भी जीवित है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
आज भी अनुग्रह काम करता है। आमेन। 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 उसी अनुग्रह में आपको जीवन मिलता है। आमेन। उसी अनुग्रह में आपको पवित्र आत्मा मिलता है। आमेन। यूहन्ना 14 अध्याय की 16 आयत को लेकर आप 18 आयत तक जरा पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप इस संदेश को समझ गए, अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए आपको चंद समय लगेगा। आमेन। आज अगर आप इस ग्रेस की बात को समझ गए, आज अगर आपको यह अनुग्रह समझ आ गया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप अपने ही आपको बांध कर अनुग्रह के निकट आएंगे, वैसे ही आपका अभिषेक बढ़ जाएगा। आमेन। और अन्य भाषा का दान आपके ऊपर उतर आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जी पढ़े। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, फिर से पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर चेले उदास थे, यहां पर चेले निराश थे, क्योंकि चेलों को मालूम था अब यीशु की फ्लाइट का समय आ गया है, अब यीशु की उड़ान का वक्त आ गया है, अब यीशु जी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि चेलों को यीशु मसीह कह चुके थे, भैया अब मैं जाने वाला हूं और मेरे उड़ान भरने का वक्त ही यही है। चेलों की आंखें नम हो गई, चेलों की आंखों में पानी था, चेले निराश हो गए, चेलों ने सोचा अब हमारी आत्मा को मजबूत कौन करेगा, अब हमें अच्छी खुराक कौन देगा, अब हमें हियाब कौन देगा, अब हमें प्रार्थना करना कौन सिखाएगा, क्योंकि यीशु प्रार्थना करना सिखाते थे, अब हमें पिता की अच्छी अच्छी बातें कौन बताएगा। तब प्रभु यीशु को जैसी ये बात महसूस हुई, तब प्रभु यीशु ने चेलों से क्या कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, और वह यानी जिससे मैं विनती करूंगा वो तुम्हें एक सहायक देगा, एक मददगार देगा, एक हेल्पर देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक मदद करने वाला देगा, और वो मदद करने वाला तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, वो मदद करने वाला तुम्हें बाइबल पढ़ना सिखाएगा, वो मदद करने वाला तुम्हें सुस्ती की आत्मा से बचाएगा। आमेन। वो मदद करने वाला तुम्हें बाइबल को याद करना सिखाएगा। आमेन। वो मदद करने वाला तुम्हें बाइबल को भूलने से बचाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो मदद करने वाला तुम्हें चर्च में ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। आमेन। आप कभी देखना, अगर आपको बार बार ये होता मैं लेट ना हो जाऊं, और आप रोज डेली जल्दी ठीक टाइम पर पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं, तो समझ आई वो केवल पवित्र आत्मा है। आमेन। यदि आपके अंदर आता है नहीं नहीं मुझे प्रार्थना में देरी नहीं करनी, मैं खाना खाने में देरी हो जाए, डोंट वरी कपड़े पहनने में देरी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रार्थना करने में देरी नहीं होनी चाहिए, तो याद रखिएगा वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो आपको प्रेरित कर रहा है, वो पवित्र आत्मा है जो आपको कह रहा है कपड़े तो तूने कल भी बदले थे, लेकिन आज तू इन्हीं कपड़ों के अंदर मेरी महिमा कर। आमेन। आमेन। कपड़े बदलना इतना जरूरी नहीं है जितना कि हमारे जीवन का बदल जाना जरूरी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी मुन्ना आगे बढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और मददगार देगा, एक और
और इसका मतलब उससे पहले कोई मददगार है, इसका मतलब पहले कोई और भी मददगार है, इसलिए प्रभु कह रहे हैं एक और मददगार देगा, यानी मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा मददगार था, अब मैं चला जाऊंगा, मेरे बदले एक और मिलेगा। आमेन। 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 वो तुम्हें एक और मददगार देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वो सर्वदा, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा नहीं रहूंगा, लेकिन जो मेरी विनती करने से, मेरी प्रार्थना करने से जो तुम्हें मिलने पर है, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। वो तुम दिल्ली जाओगे, दिल्ली तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम पहाड़ पर जाओगे, पहाड़ पर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम देश बदलोगे, देश में तुम्हारे साथ एंटर करेगा। आमेन। वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। मैं यदि बिना पवित्र आत्मा के होता तो अब तक थक जाता, मैं यदि बिना पवित्र आत्मा के बोलता तो अब तक बासी आती, मैं यदि अब तक पवित्र आत्मा के बिना बोलता तो बहुत बड़ा पन्ना बनाकर लेकर आता, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कब क्या बोलना है। बाइबल में लिखा है तुम सोच के मत जाना क्या बोलना है, वो कचहरियों की बात की गई है, प्रचार की बात नहीं की गई, विरोध करने वाले समय की बात की गई है, विरोध करने वाली जगह की बात की गई है, कि यदि तुम्हें कुछ वहां पर बोलना हो तो सोचकर प्लानिंग बनाकर मत जाना, बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हें आप ही बता देगा कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। आमेन। आमेन।